हमारा टॉपिक है वेवी कर्व मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको वेवी कर्व जानने से पहले आपको इंटरवल्स का पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है। तो उस पर मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं जाके। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और ऊपर आई बटन में भी दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको वेवी कर्व मेथड के बारे में। तो उससे पहले मैं इंटरवल का थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। हालांकि आपको अगर डीपली जानना है इंटरवल्स के बारे में तो आप मेरे वीडियो पिछले देख लेना, इंटरवल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो देखते हैं इंटरवल का बारे में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ तो आपको अच्छे से थोड़ा टाइम भी बचेगा और जल्दी एक्सप्लेन भी कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पहला है हमारा ओपन इंटरवल। जैसा कि लिखा है, ये आपका बिलोंग्स का साइन है, जानते होंगे। यहाँ पर x की ऐसी वैल्यू जो बिलोंग करती है a, b, क्लोज इंटरवल x बिलोंग्स टू a, b और सेमी ओपन। हम इंटरवल को पहचानते कैसे हैं, इन ब्रैकेट से पहचानते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में कि ओपन इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल क्या है और इन दोनों में, तीनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले ओपन इंटरवल की बात करते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कि x की ऐसी वैल्यू जो b से कम हो और एक से ज़्यादा, इसका ये मतलब है। यानी कि आपको x की ऐसी वैल्यू लेनी है जो b से कम हो और a से ज़्यादा, ठीक है, समझ पाए। और एग्जैक्ट a और b नहीं होगी ओपन इंटरवल में, समझ पा रहे हो। ओपन इंटरवल में ऐसी x की वैल्यू जो यहाँ पर a से ज़्यादा थोड़ी हो और b से कम हो, एग्जैक्ट a पर हम नहीं चेक कर सकते। अब क्लोज इंटरवल की बात करेंगे। सो एक्स की ऐसी वैल्यू जो ऐसे लिख देते हुए, एक्स की ऐसी वैल्यू जो ए से ज़्यादा और ए के बराबर हो, यानी कि इक्वल भी यहाँ लगा है, ठीक है। यानी कि एक्स की ऐसी वैल्यू जो ए से ज़्यादा भी होगी और उस पर भी चेक कर और ए पर भी चेक कर सकते हैं, और एक्स की ऐसी वैल्यू जो बी से थोड़ा कम होगी और बी पर भी हम चेक कर सकते हैं, यानी कि एग्जैक्ट बी और एग्जैक्ट ए पर भी हम चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेमी ओपन एंड क्लोज इंटरवल की। सो यहाँ पर आपको एक ब्रैकेट ओपन का नजर आएगा, एक ब्रैकेट क्लोज का रहेगा, ठीक, और या फिर इस तरह होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, पहले वाले का मैं बता रहा हूँ, इस वाले का। तो एक्स की ऐसी वैल्यू जो ऐसे लिख देता हूँ, ठीक, एक्स की ऐसी वैल्यू, और रुको इसको भी लिख देते हैं, एक्स की ऐसी वैल्यू जो ए से ज़्यादा, इस वाले में, फर्स्ट वाले में, एक्स की ऐसी वैल्यू जो ए से ज़्यादा होगी और बी से कम होगी और बी के बराबर होगी। जब आपके सामने इधर बी के साथ ये वाला क्लोज वाला ब्रैकेट लगा होगा और ए के साथ ये ओपन वाला लगा होगा, और उसका उलट यहाँ पर, यानी कि एक्स की ऐसी वैल्यू जो ए से ज़्यादा या फिर एक्स के ए पर, एग्जैक्ट ए पर, और या फिर एक्स की ऐसी वैल्यू जो बी से कम, समझ पाए। ये होता है इंटरवल का बारे में। अगर आप भी नहीं समझ में आया तो आप मेरा इंटरवल वीडियो देख लेना, इंटरवल वाला नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा वेवी कर्व मेथड है, तो मैंने सोचा उससे पहले थोड़ा सा बेस क्लियर कर देता हूँ। अभी क्वेश्चन भी कराएंगे, सारे डाउट अभी क्लियर हो जाएंगे। तो बने रहना चैनल पर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। पॉलीनोमियल्स अभी ख़त्म हुआ चैप्टर, तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना। चलो अब आगे बात करते हैं। और सो अब मैं आपको कुछ इनइक्वालिटीज़ बताता हूँ, क्योंकि इन ये सब जानना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वेवी कर्व से पहले। तो चलो, इनइक्वालिटी, ग्रेटर देन का साइन कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, लेस देन का ऐसा होता है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू का ऐसा होता है, और यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू का ऐसा होता है, समझ पा रहे हो। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्रेटर देन में कैसे होता है। तो हम जानते हैं जैसे एक्स माइनस टू एक्स ग्रेटर देन टू। सो अगर मैं एक्स ग्रेटर देन को ग्राफिकली ड्रा करूँ तो मैं कैसे जान जाऊँगा, तो अगर मैं यहाँ पर टू आ रहा तो एक्स की ऐसी वैल्यू जो टू से ज़्यादा हो, और इसी तरह यहाँ पर लेस देन में हो जाएगा एक्स लेस देन टू। सो एक्स की ऐसी वैल्यू जो टू से लेस हो, और इसी तरह ग्रेटर देन और इक्वल टू में हम बना लेंगे एक्स की ऐसी वैल्यू जो टू से ज़्यादा हो, और इसी तरह लेस देन बना लेंगे एक्स की वैल्यू जो टू से कम हो। पर क्या ये सही है, बताइए। नहीं सही है,
ग्राफिकली हम देखो इस तरह तो हम जान ही जाएंगे एक्स की वैल्यू एक्स लेस देन इक्वल टू समझ पा रहे हैं, लेकिन हम ग्राफिकली गलत कुछ ना कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट सही है, पर यहाँ पर भी सही है, लेकिन एक बात बताओ, ये ग्रेटर देन और ये ग्रेटर देन इक्वल टू में यहाँ पर ये दोनों तो सेम बन रहे हैं, जबकि चीज़ें तो अलग अलग हैं। यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू का तो कोई चीज़ ही नहीं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ध्यान सुनना, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ग्राफिकली हम क्या करते हैं, अगर ग्रेटर देन है तो यहाँ पर अगर सुनो एग्जैक्ट उस पॉइंट पर नहीं बता रहा तो हम वहाँ पर एक हॉलो सर्किल ड्रा करते हैं कुछ ऐसा, और अगर एग्जैक्ट उस पॉइंट पर कह रहा है यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू, यानी कि एग्जैक्ट उस पॉइंट पर यह इक्वलिटी का साइन लग जाता है, एग्जैक्ट उस पॉइंट पर बात कर रहेगा तो हम ऐसे कुछ डार्क वाला पॉइंट बनाएंगे, और यहाँ पर भी इसी टाइप का डार्क बनाएंगे, और यहाँ पर हालो बनाएंगे। समझ पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी जब क्वेश्चन कराएंगे तो सब समझ में आएगा क्यों मैंने इसको बताया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया ना, अगर एग्जैक्ट उस पॉइंट पर होगा तो हम ये डार्क पॉइंट बनाएंगे, और एग्जैक्ट उस पॉइंट पर नहीं होगा उससे ज़्यादा या कम होगा तो हम हालो बनाएंगे। समझ पा रहे हो। चलो अब मैं आपको एक यूनियन और इंटरसेक्शन का थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, तो चलो उसको भी बता देते हैं तो सब समझ में आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा हूँ, इसको जरा बताना, x बिलोंग्स टू 1, 3, और ब्रैकेट पर गौर करना और ब्रैकेट को गलत मत करना, 2, 4। और इसी तरह यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, x 1, 3 इंटरसेक्शन 2, 4। अब इन दोनों को हम अगर ग्राफिकली ड्रा करें नंबर लाइन पर तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर अगर 1 है यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। सो 1, 1 से 3 यानी एग्जैक्ट 1 एग्जैक्ट 3, तो हम ऐसे इसको ड्रा कर सकते हैं, 2 से 4 ऐसे ऐड करते हैं। तो यूनियन अगर हमको निकालना पड़ेगा तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस काउंट करनी पड़ेंगी, तो एक 1 से 2, एक 2 से 3, यहाँ पर 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही, तो हमें कोई परेशानी नहीं, हमें तो 1 चाहिए थी और यहाँ पर हमें 2 मिल रही हैं, तो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2, 3, 3 से 4, तो यूनियन में हम पूरा जहाँ से शुरू किया जहाँ से ख़त्म वहाँ तक करना है, यानी कि हम एक्स की यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू क्या ये ले सकते हैं 1, 4। समझ पा रहे हो, ये हो सकता है। और अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो हमें इसमें कॉमन ढूंढना पड़ता है, सो अगर मैं यही बनेगा इसका, सो 1, 3, 2, 4। अगर हम इसमें कॉमन रीजन की बात करें तो आपको कौन सी 2 लाइन कॉमन मिल रही, तो 2, 3, और यहाँ पर दोनों कॉमन मिल रही हैं, यहाँ पर हमें इंटरसेक्शन में कॉमन निकाला जाता है, यानी कि 2, 3 हो जाएगा। आई बात समझ में, तो यूनियन इंटरसेक्शन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं सीधे क्वेश्चन पर आपको ले चलता हूँ, तो अब क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही अच्छा करेंगे, पहले पॉलीनॉमियल्स एक्सप्रेशन के करेंगे फिर रेशनल एक्सप्रेशन करेंगे, आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी, बस ध्यान सुनना बिना स्किप किए हुए। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, x-3, x-5 ≥ 0। अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले हमें कॉन्सेप्ट से भी सीखना है। तो x-3, x-5, अच्छा इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक क्रिटिकल पॉइंट वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, क्रिटिकल पॉइंट जैसे कि x-2 ≥ 0। सो इस इनइक्वलिटी का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, तो क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है, क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर इक्वलिटी 0 हो जाती है, यानी ये इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 हो जाएगा, ठीक है, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, 2। अब जब x की वैल्यू आप 2 डालेंगे तो यहाँ पर 2-2 0 हो जाएगा, यानी कि इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 है। समझ पाए, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर इक्वलिटी 0 हो जाती है। चलो क्वेश्चन करते हैं अब सीधे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है x-3, x-5 ≥ 0। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ग्रेटर देन जीरो आए, सुनो ध्यान सुनो, इसको कोने में लिख लो, और लेस देन, ग्रेटर देन जीरो आए सो हमें पॉजिटिव वाले लेने हैं, यानी कि पॉजिटिव की बात कर रहा है, और लेस देन जीरो आए तो यानी कि हमको निगेटिव वाले ही लेने हैं एक्स की वैल्यू। समझ पा रहे हो, अगर ग्रेटर देन जीरो आए तो हमें पॉजिटिव वाले लेने हैं, और लेस देन जीरो आए सो हमें निगेटिव वाले लेने, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए तो हमें पॉजिटिव वाले लेने हैं, और एग्जैक्ट उस पॉइंट पर भी लेने हैं। समझ पा रहे हो, ये अभी बताया था पहले। चलो इसको दोनों को जरूर नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है,
जानते हो यार, सुनो ये इसका भी समझा दे रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। वो जीरो इधर होता है, जीरो से ग्रेटर वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिट तक। और इधर क्या होती है, निगेटिव वैल्यू होती है। यही चीज़ तो यहाँ मैंने आपको बताई है, इधर -1 -2 माइनस इन्फिनाइट तक होता है, इधर प्लस इन्फिनाइट तक होता है। सो यही होता है। और इन्फिनाइट पर के सामने हमेशा ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, यानी कि ओपन ब्रैकेट। क्यों हमेशा ओपन ही ब्रैकेट लगाएंगे, इस वजह से लगाएंगे क्योंकि हम एग्जैक्ट इन्फिनाइट तक नहीं पहुंच पाते, इन्फिनाइट तक टेंड कर पाते हैं लेकिन एग्जैक्ट इन्फिनाइट तक नहीं पहुँच पाते हैं। चलो भाई क्वेश्चन करते हैं, तो इसको हम ड्रा करते हैं, एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ मैं। सो 3 ले लेते हैं पॉइंट, एक 5 हो जाएगा। वेवी कर्व बनाना आपको सिखाएंगे इसी में, 3 5। सो यहाँ पर अगर मैं इसको ड्रा करूँ ग्रेटर दैन 0, सुनो अब 5 की इधर कोई भी वैल्यू लो तो क्या यहाँ पर वो बनता है। देखो अगर मैं 5 की इधर 10 वैल्यू लेता हूँ, चलो 10 ले लेते हैं, 10 -3 7, 10 -5 5, यानी कि इधर भी पॉजिटिव वैल्यू है, इधर भी आई पॉजिटिव 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 होता है। सो यानी कि हम कह सकते हैं कि इधर हमारा पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी। अब 3 5 के बीच में कोई वैल्यू लो, 3 5 के बीच में अगर हमने 4 ले लिया मान लो, तो 4 -3 1 पॉजिटिव वैल्यू आई, और 4 -5 -1 यानी कि निगेटिव वैल्यू है, तो प्लस माइनस ऑलवेज निगेटिव, यहाँ पर हम निगेटिव ले लेंगे। इसी तरह आपको वैल्यूज़ इन दोनों बीच ले लेकर चेक करना है, कहाँ पे पॉजिटिव आ रही है कहाँ पे निगेटिव आ रही है। फिर इसी तरह आपको वेवी कर्व बनानी है, वो भी बताएंगे। अब 3 के इधर वैल्यू लो, 2 ले लिया तो 2 -3 -- आएगी वैल्यू, और इधर 2 -5 माइनस की वैल्यू आएगी, तो -, प्लस ये मत करना माइनस। आप सुनो वेवी कर्व, आप जानते हो पॉजिटिव के लिए ऐसी होती है और निगेटिव के लिए ऐसा होता है। ये एक अल्टरनेटिंग करंट का डायग्राम भी हो गया, सॉरी ग्राफ भी हो गया अल्टरनेटिंग करंट। तो उसी तरह आपको यानी क्या करें, वेवी कर्व यही है। देखो ऐसे आई बात समझ में। और अगर देखो यहाँ पर अगर इक्वलिटी लगा होता, यानी कि कुछ ऐसा लगा होता, सो हम क्या करते, यहाँ पर क्या बनाते, कौन सा पॉइंट बनाते, हालो की डॉटेड पॉइंट। तो हम यहाँ पर कौन सा साइन बनाते, डार्क पॉइंट, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर कौन सा, अब इसमें हमारा ये एग्रेसिव ग्रेटर देन 0, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू एक्स की वैल्यू लेनी है लेकिन एग्जैक्ट उस पॉइंट पर नहीं लेनी। ये बात ध्यान से सुन लो, ये पहला क्वेश्चन है इसीलिए एक एक चीज़ बता रहा हूँ, फिर अगले क्वेश्चन से नहीं बताऊँगा, अभी सुन लो ध्यान से। अगर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए तो हमें एग्जैक्ट उस पॉइंट पर भी लेना पड़ता, पॉजिटिव वैल्यू के साथ एग्जैक्ट उस पॉइंट पर लेना होता और हमें ये वाला ब्रैकेट यूज़ करना पड़ता, लेकिन हम नहीं। तो अब चलो कुछ देखते हैं, एक्स की कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं वैल्यू, तो एक्स बिलोंग्स टू, हमें पॉजिटिव लेना है तो ये माइनस इन्फिनिटी इधर है, -∞, यहाँ पर हॉलो बनेगा क्योंकि हम वहाँ पे एग्जैक्ट उस पॉइंट पर नहीं लेंगे। 3 यूनियन, अब वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, 5, यहाँ पर भी हॉलो बनेगा तो 5 + ∞, तो ये वह आंसर हो गया। सो अगर हम यहाँ पर ग्रेटर इक्वल टू होता तो क्या डिफरेंस होता, तो हमारे यहाँ 3 के सामने क्लोज सब ब्रैकेट लगता, क्लोज ब्रैकेट में, क्योंकि क्या होता है एग्जैक्ट उस पॉइंट पर भी काउंट किया जाता है। याद आया एग्जांपल ए कॉमा बी वाला, और इधर भी 5 के सामने क्लोज लगता अगर इक्वलिटी होता। तो अभी वो वाले क्वेश्चन में आएंगे, सब समझ में आएगा, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है x² - 4 < than and = 0। चलो इसको पहले एक काम करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो अभी बन पाएगा, x² - 2² हो जाएगा। एक सेकेंड यार, a² - b² होता है a + b a - b < 0। सो लेते हैं एक हमारा 2 हो जाएगा, इसके लिए 0 हो जाएगा, इसके लिए 0 हो जाएगा, और एक हो जाएगा हमारा -2। आई बात समझ में। और इधर -∞ लिखना चाहो तो लिखो, +∞। सो अब हमें 2 के इधर कोई वैल्यू लेकर चेक करना है, तो 2 के इधर हम ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, तो 5 5 + 2 5 - 2 सब पॉजिटिव आ रही है, तो इधर वैल्यू हमारी सारी मुझे लगता है पॉजिटिव ही आएगी। और भी चेक कर सकते हो लेकर। अब 0 2 के बीच हम वैल्यू लेते हैं, 0 2 के बीच हम लेते हैं 1 ले लेते हैं, सो 1 1
वन प्लस टू वन थ्री, तो प्लस प्लस माइनस, तो यहाँ पर यार पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव आ रही है वन पर, यहाँ पॉजिटिव आ रही है लेकिन यहाँ निगेटिव आ रही है, सो हमारा यहाँ पर निगेटिव ही आएगी वैल्यू। अब माइनस टू और जीरो के बीच ले लेते हैं, तो हम यहाँ पर माइनस वन ले लेते हैं, तो माइनस वन, एक सेकेंड, माइनस वन और यहाँ पर क्या आएगा प्लस, यहाँ पर माइनस की वैल्यू आएगी, यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस वन माइनस, यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, इस तरह हमें सोचना है। इसीलिए मैं आपको बहुत स्लो स्लो एकदम बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, आई बात समझ में। माइनस टू के इधर कोई वैल्यू लो, माइनस थ्री ले लेते हैं, तो माइनस थ्री, एक सेकंड इसको मिटा देते हैं, माइनस थ्री, माइनस थ्री प्लस टू, माइनस यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, और माइनस माइनस, माइनस थ्री और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर वैल्यू माइनस। अब वे भी कर्व ड्रा करते हैं, ऐसे बनेगी ना, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन गई, अब समझ जाना। तो अब हम एक्स की बिलोंग्स कर, एक्स की वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पर यही तो मेन इंपॉर्टेंट है, पॉइंट पर आप डाल के चेक कर लेते हो, बट अब क्या इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू जीरो, कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव की निगेटिव, बोलो बोलो बोलो, निगेटिव वैल्यू लेंगे। देखो लेस देन इक्वल टू अभी बताया था, तो लेस देन, और हमें ये भी बात देना चाहिए यहाँ पे इक्वलिटी भी लगी है, तो हम एग्जैक्ट उस पॉइंट पर भी लेंगे, यानी कि यहाँ पर भी लेंगे, सॉरी यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक। तो हम यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी कॉमन माइनस टू और ये ब्रैकेट, समझ पा रहे हो, यूनियन, और कहाँ निगेटिव वैल्यू, यहाँ से यहाँ जीरो से टू, तो जीरो कॉमा टू, अब आपका एकदम सही है। आई बात समझ में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे दो क्वेश्चन से। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताऊंगा वो आप प्लीज़ खुद से खुद ट्राई करना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टू माइनस एक्स माइनस फाइव ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। इस क्वेश्चन को कैसे कराया जाएगा, कुछ नहीं, हमें सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा करनी है, टू लेंगे इधर, फाइव ले लेंगे, एक मिनट, फाइव ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, ग्रेटर इक्वल टू यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, तो फाइव की इधर कोई वैल्यू लो यार, टेन लो, तो टेन माइनस टू माइनस टेन, माइनस निगेटिव वैल्यू आएगी, और यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, तो यहाँ पर वैल्यू निगेटिव आएंगी। टू फाइव के बीच लो, फोर ले लिया, टू माइनस फोर, माइनस फोर माइनस टू। चलो अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ, ठीक। चलो पहले अपने मेथड से यूज करते हैं, फिर ट्रिक बताएंगे। तो यहाँ पे फोर लिया, तो टू माइनस फोर निगेटिव वैल्यू आई, और फोर माइनस वन, यहाँ पर निगेटिव निगेटिव, यहाँ पर भी निगेटिव आएगी फोर पर, यहाँ पर भी निगेटिव, यहाँ पर, यानी कि निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। टू से इधर लिया हमने, वन ले लिया जैसे कि, सो टू माइनस वन, वन और यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आई, और यहाँ पर टू पर 2 माइनस फाइव निगेटिव वैल्यू आएगी, तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। सो हमारा वे भी कर्व कैसा ड्रा होगा, ऐसा ड्रा होगा, ऐसा ड्रा होगा, और यहाँ पे इक्वलिटी लगाया, तो यानी कि हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है और उस जेड उस पॉइंट पर भी लेनी है, तो पॉजिटिव वैल्यू ये और जेड उस पॉइंट पर ऐसे। सो एक्स बिलोंग्स टू टू कामा फाइव। अब एक बात सुनो ज़रा, आप इसमें टू माइनस एक्स है तो साइन बदलोगे तो इक्वलिटी का साइन हो जाएगा, तो लेसन तभी भी आंसर यही आएगा, समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, साइन बदलोगे तो इक्वलिटी का साइन भी बदलेगा, ये बात गौर ध्यान रखना। अब चलो इस क्वेश्चन में आपको ट्रिक से बताता हूँ, जैसे कि मुझे ट्रिक से बताता हूँ। चलो टू दिया था, फाइव दिया था, ठीक। ट्रिक ये कहती है, यहाँ पर देखो क्रिटिकल पॉइंट किसका क्या है, फाइव। अब फाइव किसका, कहाँ से आया, x माइनस फाइव से। अब इसकी पावर देखो कितनी है, इसकी पावर वन है, यानी कि पावर ऑड है, तो ऑड पावर में क्या होता है, देखो यहाँ पे हमारी निगेटिव आया था, ऑड पावर में क्या होता है, अगर ऑड पावर है तो इसके इधर वाले का साइन बदल जाता है, यानी कि निगेटिव होगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो निगेटिव, ये होता है। और इन दोनों के बीच में देखो ये कहाँ से आया, तो इसकी भी पावर, देखो ये इसका क्रिटिकल पॉइंट ये है, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया है, इसकी पावर कितनी है, वन, यानी कि ये भी एक ऑड है, तो यहाँ इसकी इधर वाले का भी साइन बदल जाएगा। देखो वही आया जो पहले अभी हमने करा था, वही एकदम एग्जैक्ट आया, इस तरह होगा। सो हमारा बना, इसमें भी कर्व ऐसे ही बनेगा, और वही हमारा आंसर आएगा,
तो यही ट्रिक थी, समझ पाओगे और अगला लिख देता हूँ तो समझ जाओ। नोट कर लिया था, सुनो ट्रिक, ट्रिक ट्रिक कुछ नहीं है, आप समझ जाओ बस, कुछ नहीं है। देखो हिंदी में लिख देंगे, अगर पावर ऑड होगी, अगर पावर ऑड होगी तो साइन चेंज हो जाएगा, और अगर पावर इवन होती, अगर पावर इवन होगी होगी अगर पावर इवन होगी तो साइन चेंज नहीं होगा। या सेम रहेगा, बात एक है, समझ पा रहे हो? चलो अब इंग्लिश में भी आपको बता देता हूँ। इफ़ द पावर इफ पावर विल बी ऑड देन साइन विल बी चेंज्ड, इफ पावर विल बी इवन देन साइन विल नॉट बी चेंज्ड, मीन्स रिमेन सेम। चलो इंग्लिश में भी बोल दिया, समझ पाए? हिंदी में लिख दिया, जो भी आपको समझ में आया वो कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और ट्रिक से आप सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन मैं जानबूझ करके लेकर आया हूँ, जिसमें अब आपको वेवी कर्व बनाने से पहले आपको बात और ध्यान रखनी होगी कि इधर तरफ यानी कि RHS यानी कि राइट हैंड साइड में आपका हमेशा हमेशा जीरो होना चाहिए। अगर जीरो नहीं है तो उसे बनाएंगे, तो इसमें नहीं है तो उसे बनाएंगे, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, तो इसको फैक्टराइज करेंगे एक्स स्क्वायर 6x माइनस एक्स माइनस 6 एक्स एक्स माइनस 6 प्लस 1 एक्स माइनस 6 ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, सो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 6 ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। अब हमारे लिए बहुत सिंपल हो गया, ड्रा कर दिया माइनस 1 6, सो 6 किधर नंबर लेंगे, कोई भी लो, कोई भी लो, 5 लिया 7 लिया 7 प्लस 8 8 7 माइनस 10, तो यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव ही आएगी वैल्यू, ठीक पॉजिटिव ही आएगी। एक सेकेंड, और इस तो यानी कि और उसकी देखो अब हम ट्रिक सॉल्व करेंगे, इसकी पावर क्या है ऑड, इसकी पावर ऑड है तो यानी इधर का साइन बदला जाएगा, इसकी पावर देखो इसकी पावर ऑड है यानी कि इधर का साइन बदला जाएगा, तो वेवी कर्व कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। तो देखो कितना सिंपल हो गया, एक्स बिलोंग्स टू, अब ग्रेटर इक्वल टू जीरो यानी कि हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, और वो भी कौन सी, वो भी कौन सी, ऐसे मत मिलाया करो ठीक है, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक टेंड कर रहा है, सो वो भी कौन सी, एग्जैक्ट उस पॉइंट पर भी लेनी यानी कि ऐसे, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का साइन लगा। आप थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे, तो माइनस इन्फिनिटी कामा माइनस 1 एक हो गया यूनियन 6 कामा इन्फिनिटी, सॉरी यहाँ पर ऐसे वाला, समझ पाए? ये कैंसर हो गया। अब चलो बात करेंगे पॉलीनॉमियल्स एक्सप्रेशन की, तो बहुत क्वेश्चन कर लिए, अब चलो रैशनल एक्सप्रेशन के भी कर देते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, ये वाला क्वेश्चन है x माइनस 1 एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू जीरो। चलो ड्रा करते हैं, 1 2 3 के इधर कोई नंबर लो, 4 लिया, 4 माइनस 1 पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव, तो सब पॉजिटिव, अगर 10 ले लिया तभी पॉजिटिव यानी इधर पॉजिटिव ही आएगा। अब इसकी देखो 3 की, अब हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, इसकी पावर 8 इधर वाला साइन चेंज, 2 इसकी भी पावर 8, 2 क्रिटिकल पॉइंट इस यहाँ से आया तो इसकी पावर 8 इधर भी साइन चेंज, इस ये यहाँ से आया इसकी पावर 8 इधर वाला भी साइन चेंज, तो हमारा वेवी कर्व ऐसा बनेगा। सॉरी ये थोड़ा एक मिनट यहाँ पर बना देते, ठीक। ग्रेटर इक्वल टू जीरो यानी कि लेस देन इक्वल टू जीरो यानी कि हमें निगेटिव वैल्यू लेनी है, वो भी एग्जैक्ट उस पॉइंट पर भी लेनी, तो ऐसे बनेगा कुछ, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कामा 1 यूनियन 2 कामा 3, तो ये होगा आंसर। अब थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ तो समझ में आपको आया होगा, यहाँ पर देखो हमें लेस देन इक्वल टू था यानी कि निगेटिव वैल्यू लेना था और एग्जैक्ट उस पॉइंट पर भी लेना था, समझ पाए? इस वजह से हमने यहाँ पर डार्क पॉइंट लगाया और यहाँ पर हमने इस 1 को भी इंक्लूड करके क्लोज्ड ब्रैकेट भी लगाया,
इंटरवल्स का अगर आपको नहीं नॉलेज है तो प्लीज़ वाला वीडियो देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं किसी से। x माइनस वन 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सो ड्रा करते हैं। सो वन हो गया, माइनस टू हो गया, फोर हो गया। चलो अब फोर की इधर वैल्यू कोई लो, 10 ले लिया, तो 10 माइनस वन पॉजिटिव वैल्यू आई, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव आ जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगी, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर मुझे लगता है निगेटिव ही वैल्यू आएगी। पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, एक सेकेंड, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव, तो यहाँ पर निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। उसी जगह अब हम यहाँ पर लेते हैं इन दोनों के बीच में, यानी कि थ्री वैल्यू ले लेते हैं, तो थ्री माइनस वन पॉजिटिव वैल्यू आएगी, थ्री फोर माइनस थ्री पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव ही सब आएगी। तो माइनस टू और वन के बीच हम सबसे अच्छी वैल्यू जीरो लेते हैं, तो जीरो माइनस वन निगेटिव वैल्यू आएगी, फोर माइनस जीरो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जीरो प्लस टू पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो पॉजिटिव 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 निगेटिव निगेटिव निगेटिव। अब इसके इधर वैल्यू कोई लेते हैं, सो माइनस टू से इधर कोई लेते हैं, चलो माइनस थ्री ही लेते, तो माइनस थ्री माइनस फोर माइनस निगेटिव वैल्यू आई, फोर माइनस माइनस थ्री, फोर माइनस माइनस थ्री यानी कि प्लस वैल्यू आएगी, और माइनस थ्री प्लस टू निगेटिव वैल्यू आएगी, यहाँ पर निगेटिव आएगी, तो यानी कि निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं? निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, देखो यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर माइनस थ्री लेने पर क्या होगा, यहाँ पर निगेटिव आएगी, और फोर माइनस माइनस थ्री कितना आ जाएगा, फोर प्लस थ्री यानी कि सेवन, तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आई, और माइनस थ्री प्लस टू कितना आएगा, माइनस वन, क्योंकि निगेटिव वैल्यू आई, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सो वेव कर बनेगी ऐसे। सोलर खराब भले कर बने पर आपको समझना है। चलो समझ जाओगे। ग्रेटर इक्वल टू जीरो यानी कि हमको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है और एग्जैक्ट उस पॉइंट पर भी लेनी है। सो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कामा माइनस टू यूनियन, ये पॉजिटिव में आई, तो वन कामा फोर। तो बस आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत ही ज़्यादा मैंने आपको डिस्कस कर दिया, एक टॉपिक ही था सिर्फ वेवी कर मैथड। अब आप बताना कि हम कौन सा नया चैप्टर शुरू करते हैं, क्लास नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ, या ऐसे ही कोई एक टॉपिक ही डिस्कस करते हैं। ठीक है चलो भाई वीडियो ख़त्म करते हैं। आप एक बात बताइए, एक वीडियो को बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा सब्सक्राइब बटन दबा करके आप सपोर्ट दीजिए, तो एक एनर्जी मिलती है। चलो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और समझ में आया हो तो कमेंट करके बताना, और लाइक करके बताना, और सब्सक्राइब करके बताना। चलो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।